पहले जब जंगल में भटक रहे थे और आप इसे व्यवस्था विवरण 8 में देखेंगे, मुझे ये कहानी पसंद है। उन्होंने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों से तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जाने कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आपके जीवन में भी परीक्षा के मौके आएंगे जब परमेश्वर जानना चाहेंगे। आमीन। मुझे ये प्यारा है जो व्यवस्था विवरण 8 में दर्ज है, शायद वो वचन 3 है। उन्होंने कहा, मैं 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि तुझे नम्र बनाऊं और तेरी परीक्षा लूं। इसके बाद उन्होंने कहा, तेरे वस्त्र पुराने न हुए और न तेरे पांव फूले। वो 40 वर्षों तक चलते रहे पर उनके पांव नहीं फूले और उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। देखिए, उन्हें एक भी नई पोशाक नहीं मिली, 40 वर्षों तक नहीं मिली। इससे क्या सीख मिलती है? आपको शायद वो सब न मिले जो आप चाहते हैं। आपको इस वक्त ऐसी समस्या या ऐसी परिस्थिति मिले जहां आप उस बहुतायत का अनुभव नहीं कर रहे जिसका आप वादा चाहते हैं, पर परमेश्वर आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। वो शायद उस तरह से न हो जैसा आप चाहते हैं, वो शायद उस तरह से न हो जैसे आप सोचते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। उनके लिए उन्हें आपके कपड़ों को अलौकिक तरीके से अभिषेक करना पड़े। बताइए कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? और आप उसमें से बाहर आएंगे, आप उसमें से बाहर आएंगे। फिलिपियों 4:19 में एक वचन है जो हम सभी को प्यारा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। पर आप भूल करते हैं यदि आप यहां वहां से वचन चुनते हैं। ऐसा करके आप बाइबल से जो भी चाहे वो कहलवा सकते हैं। इसलिए हमेशा पहले और बाद का वचन पढ़ने में समझदारी होती है। इसलिए यदि हम फिलिपियों 4 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चाहे परमेश्वर के बंदों के साथ उग्रवादी किए गए हैं, और जब तक मैं यहाँ बात करूंगी वादु की और उसकी जो आपके लिए अपनी विरासत द्वारा उपलब्ध है, आप जोर शोर से चिल्लाएंगे और प्रसन्न होंगे और आनंद उठाएंगे। पर अब मैं एक मिनट के लिए विषय बदलूंगी और आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी कि आपका हिस्सा क्या है, क्योंकि ये नामुमकिन है। मेरी ओर देखिए कि आपको बीज के बगैर फसल नहीं मिलेगी। ये बीज आज्ञाकारिकता हो सकती है, ये बीज समय हो सकता है, ये कोई आर्थिक बीज हो सकता है, ये बीज किसी ऐसे को पूर्णता क्षमा करना हो सकता है जिससे आप नफरत करते हो। पर आप जानते होते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं आप वो करें, और यदि आप वैसा करेंगे फिर आपको उपलब्धि मिलेगी और आप अपने जीवन में खुश होंगे। तो ऐसी ढेर सी बातें होती हैं जिन्हें परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं, पर हम उन्हें टालते रहते हैं, क्योंकि वो कठिन होती हैं या हम उन्हें अन्याय समझते हैं और हम आशा कर रहे होते हैं किसी दूसरे जवाब की। अपने जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की अपेक्षा न करें यदि आप उद्देश्य पूर्वक कृतज्ञता करने वाले हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि चिल्लाना बंद हो जाएगा। मेरे लिए बहुत आसान होगा ऐसे विषयों पर प्रचार करना जिसे सुनकर सब चिल्लाएं और कहें, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत मजा आ गया, बढ़िया था ये। पर यदि मैं आपको सब नहीं बताऊंगी तब मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही होंगी। मुझे आपको अच्छी बुरी दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार करना है। फिलिपियों 4, हम इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे ये आश्वस्त करने के लिए कि हमें संतुलित शिक्षा मिले, क्योंकि मैं तंग आ जाती हूँ जब लोग बीच में से ही वचन निकालते हैं जिन्हें सुनकर सब उत्साहित होते हैं पर वो उन्हें बाकी का वचन नहीं सुनाते। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी एक घटी को पूरा करेगा। ये बाकी का पढ़ते हैं, वचन 14 से आरंभ करना ठीक होगा। फिलिपियों 4:14, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और ये फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकी दुनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़कर किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन दो बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं आपसे दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं
जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, आशीषों की फसल जो तुम्हारे खाते में जमा हो रही है, मेरे पास सब कुछ है, पूर्ण भुगतान की राशि, वरन बहुताय से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफुदितूस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अच्छा होगा कि आप यहां पर थोड़ा बहुत चिल्लाएं। आपको हर तरह के देने के बारे में उत्साहित होना चाहिए जो परमेश्वर आपको देने को कहे, चाहे वो समय हो, पैसा हो, या कुछ और हो, या क्षमा हो, या जो भी हो, क्योंकि ये नामुमकिन है। मेरा मतलब, एक अशिक्षित किसान भी ये जानता है कि बीज के बिना उसे कोई फसल कभी नहीं मिलेगी। मेरे पिता की मृत्यु से 4 साल पहले परमेश्वर चाहते थे कि मैं उन्हें क्षमा करूं। बेशक मैंने उन्हें सालों पहले क्षमा किया था, पर तब मुझे उन्हें पूर्णता क्षमा करना था, और मेरे मामले में इसका यह अर्थ था कि परमेश्वर चाहते थे कि हम मेरे माता पिता को दक्षिण पूर्व मिसूरी से, जहां वो रहते थे, लेकर आते सेंट लुइस में और उसकी देखभाल करते। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं अपने पिता की देखभाल नहीं करना चाहती थी। वो अन्याय लगता था, वो गलत लगता था। ये परमेश्वर नहीं हो सकते थे, ये शैतान था। मैंने आखिर में परमेश्वर की सुनी, और ये मेरे द्वारा किए जीवन में किए सबसे कठिन कामों में से एक था। पर मेरी बात सुनिए, उसके कारण हमारी सेवकाय में तरक्की हुई और हम कहीं अधिक लोगों की मदद कर पाए हैं। बहुत विशाल स्तर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया इसे समझ लीजिए कि कभी भूलिएगा मत, परमेश्वर जब भी आपसे कुछ मांगते हैं वो इसलिए नहीं होता कि वो आपसे कुछ लेना चाहते हैं, उन्हें आपकी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ लीजिए, परमेश्वर जरूरतमंद नहीं है। यदि आप उन्हें चढ़ावा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग की खिड़की बंद रहेगी। परमेश्वर हमसे जब भी कुछ मांगते हैं वो केवल इसलिए होता है ताकि हमें उस अवस्था में लाए जहां हम वो अधिक स्वीकार कर सके जो हमें वो देना चाहते हैं। और मैं ये बहाना सुन सुनकर थक गई हूं, आप जानते हैं ये प्रचारक हमेशा ऐसे ही कहते रहते हैं। याद रखिए, आप ईमानदारी से दे रहे हैं और परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि एक ये सिद्धांत है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको परमेश्वर से पुरस्कार प्राप्त होगा। आमीन। और केवल यही नहीं, हर कोई इस ताक में नहीं कि आपसे कुछ हत्या ले। आपको दोनों पहलुओं के बारे में सोचना चाहिए। एक कहानी सुनिए जो मुझे दिलचस्प लगती है। एक स्त्री ने मुझसे कहा, मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूं, लगभग 3 साल पहले की बात है। परमेश्वर ने मुझसे आपकी सेवकाई के सहभागी बनने के लिए कहा। मैं बहुत समय से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मुझे सचमुच ऐसी अनुभूति हुई कि मैं आपकी मदद करूं, सेवकाई की सहभागी बनूं। उसने आगे कहा, पर मैंने वो नहीं किया। उसने कहा, मैं इसका कारण नहीं जानती। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे की कमी है, ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, मुझे आपसे प्रेम है और आप जो भी करते वो अच्छा लगता है, बस मैं सहभागी नहीं बनी। उसने आगे कहा, 1-2 साल बीत गया और मैं अभी भी वो नहीं कर रही। अचानक ऐसा हुआ कि मुझे आपकी शिक्षा से कोई लाभ मिलना बंद हो गया। उसने आगे कहा, मैंने सोचा परमेश्वर आखिर जॉयस में क्या खराबी है। हम सचमुच कई बार ऐसा करते हैं, आखिर जॉयस में क्या खराबी है, क्या उनके जीवन में कोई पाप है, अब उन पर पहले जैसा अभिषेक नहीं है। उन्होंने कहा, जॉयस में कोई खराबी नहीं है, मैंने 2 वर्ष पहले तुमसे उस सेवकाई के सहभागी बनने के लिए कहा था और तुम नहीं बनी, तुम बैठी रही, तो उससे कुछ प्राप्त करने की आशा मत करो। इसलिए यदि आप किसी गिरजे में जाते हैं और आपको वहां जाते हुए लगभग 4 या 5 वर्ष हो गए और आप उसे अपना गिरजा बुलाते हैं और पादरी हर सप्ताह आपके सामने दिल उड़ेलता है, वह आपके बीमार होने पर आपके लिए प्रार्थना करता है, वह आपको और आपके संबंधियों को मिलने आता है और आप अस्पताल में होते हैं, वह आपके परिवार से मिलने आता है, बपतिस्मा देता है, आवश्यकता होने पर अंतिम संस्कार करता है, मेरा मतलब वो हर वक्त आपके साथ होता है। आप गिरजे में सेवा नहीं करते, दशमांश नहीं देते, समय पर गिरजे पर आते जाते नहीं, बल्कि आराधना के बीच में आते हैं और पूरी सर्विस में बैठते भी नहीं, और जब आप लौटते हैं
वेदी पर बुलाए जाने पर, क्योंकि आप अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालना चाहते हैं इस बात की परवाह किए बगैर कि आप बहुत से लोगों की शांति भंग कर रहे हैं। और फिर भी आप सोचते हैं आपके जीवन में कुछ काम क्यों नहीं हो रहा। आप हमें केवल ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ देना नहीं चाहते। ये इस नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। ये एक नियम है, एक आध्यात्मिक नियम है। आप वही फसल काटते हैं जिसका बीज आप बोते हैं। और ये जीवन के हर पक्ष पर लागू होता है। मैं केवल पैसों की बात नहीं कर रही, हमें सचमुच होने लगती है घबराहट पैसों की बात सुनकर। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम पहले ही चढ़ावा दे चुके हैं, मैं आपसे दोबारा नहीं लेने वाली। मैं जानती हूँ आप मुझसे ये सवाल पूछना चाहते होंगे, मुझे दशमांश देना पसंद है जॉयस, पर मेरे पति एक अविश्वासी और मुझे देने नहीं देते। हाँ ठीक है, आपको अपने घर में युद्ध आरंभ करने की जरूरत नहीं, देने का कोई तरीका ढूंढिए, अपना समय दीजिए, आपको पता तो मिलता होगा उसका दशमांश दीजिए, लोगों के लिए कुछ कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, पर कुछ ना करने के लिए कभी भी बहाना मत बनाइए। आमीन। उसके बारे में सोचना बंद कीजिए जो आप नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ ढूंढिए जो कर सकते हैं। हालेलुया। और यदि आप केवल इतना करेंगे कि आप जानबूझकर अवज्ञा नहीं करेंगे, दरअसल मुझे यकीन है कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे पहलू होंगे जिनके बारे में मैं अनजाने में आज्ञा पालन नहीं कर रही, पर जब परमेश्वर अवगत कराते हैं तब मैं जवाबदेह होती हूं। इसीलिए जब आप उस अवज्ञा से पीछा छुड़ाते हैं जिसके बारे में जानते हैं, और आपको ये नहीं कहना चाहिए परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने को कहा था पर यह बहुत कठिन है मैं नहीं कर सकता, ये सच नहीं है। परमेश्वर ने तो मुझसे ये करने को नहीं कहा, ये आप कर सकते हैं, आप अपना पहला कदम उठाइए तो परमेश्वर आपके बिल्कुल साथ होंगे। आप अपने जीवन की जानबूझकर की हुई अवज्ञा से छुटकारा पाइए और बीज बुना आरंभ कीजिए आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो समय हो, पैसा हो, वो किसी भी मदद से हो सकता है, चाहे वो क्षमा करना हो। जानते हो आज गिरजे में कितने लोग क्रोधित हैं, मेरा मतलब आज यहाँ कोई ऐसा होगा जो किसी ऐसे के साथ गिरजे में आया होगा जिससे वो बेहद क्रोधित है और वो उपलब्धि के बारे में वचन सुनकर चिल्लाएगा और उत्साह से कूदेगा और घर लौटते समय गाड़ी में पूरा रास्ता लड़ते रहेगा। बस कीजिए, ये इस बचकानी बकवास से तंग आ गए हैं। हमारे पास फल होना चाहिए और हमें समझना है कि परमेश्वर मजाक नहीं कर रहे। यदि आप वो करना आरंभ करेंगे जो परमेश्वर आपसे करने को कहें, तो मेरी बात याद रखिए कि आपके पास लहू द्वारा खरीदा अधिकार होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने और ये कहने का, परमेश्वर मैं आशा कर रहा हूं कि आप उग्र रूप से आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय काम करेंगे मेरे जीवन में। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं परमेश्वर, मुझ में पवित्र आशा है, मैं ना सुनने वाला नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो वो झूठ बोलेंगे, पर मैं उन लोगों से परेशान हूं जो सब मुफ्त में चाहते हैं। आज हमारी पूरी दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिसमें अधिकार की भावना होती है। आपको मुझे ये देना है, कोई भी किसी का देनदार नहीं। आमीन। मलाकी सचमुच बढ़िया है, सारे दशमांश भंडार से ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आप शायद कहें ओ, कुछ लोग मुझे घूर कर देख रहे हैं। एक सवाल पूछती हूं, आप परमेश्वर को अपना 10% देकर देखना चाहेंगे कि परमेश्वर बाकी 90% को ऐसी आशीष देते हैं कि वो आपकी हर आवश्यकता को पूरा करता है, या आप दशमांश न देकर शैतान को पूरा हत्याने देंगे?
दशमांश देकर न केवल आपको ये सुनने का सुअवसर मिलता है बल्कि दुनिया के लाखों लोगों को भी मिलता है। ये सच है कि मैं केवल यहाँ बैठे लोगों से बात नहीं कर रही, मैं विशेष रूप से वहां बैठे सब लोगों के लिए बात कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैं हर दिन आपके लिए होती हूँ और आपके लिए बहुत आसान होता है केवल अपना रिमोट का बटन दबाओ। और हम हाजिर होते हैं, हमारे सहभागी और उन प्रोग्राम का मूल्य दिया है जो आप देख रहे हैं और हम सारा काम करते हैं। आप केवल सोचते परमेश्वर की महिमा हो। मुझे ये प्रोग्राम पसंद है, मुझे इससे सच कहूं मुझे भी आपकी मदद करने में प्रसन्नता होती है और मैं तब तक ये करती रहूंगी जब तक मेरी सांस चलती रहेगी। पर मैं आपसे आपके लिए कह रही हूं, आपको बिल्कुल उस तरह का मनुष्य नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त केवल लेते 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 रहे। आपको अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करना है, आपको अपने मित्रों के साथ ऐसा नहीं करना, आपको अपने जीवन में देने में ऐसे सक्रिय होना चाहिए जहां आप लोगों के साथ सहभागी होकर अपने जीवन में बोना आरंभ करते हैं और वो आपके जीवन में आप देते हैं और वो देते हैं। आज सुबह की बात ले लीजिए, आज सुबह मैंने अपने पति के लिए कॉफी बनाई, उन्हें मेरे हाथ की कॉफी पसंद है इसलिए मैंने उनके लिए भी बनाई, वो खुश हुए। पर मेरी हर सुबह को दो छोटे बिस्किट पर आलमंड बटर लगाकर खाने की आदत है इसलिए देव उठे और उन्होंने मेरे खाने के लिए दो बिस्किट पर आलमंड बटर लगाया और उसके बाद हमारे लिए नाश्ता मंगवाया और उसके बाद हमारे नाश्ता मंगवाया और नाश्ता आने पर उन्होंने उसे अच्छी तरह मेज पर सजाया और कहा जल्दी जल्दी आओ तुम्हारा नाश्ता तैयार है। उन्होंने मेरे लिए कुर्सी बाहर खींची, बैठने में मेरी मदद की, फिर मैं चौंक गई। उन्होंने कहा अपने खाने पर से ढक्कन ढक्कन मत हटाना, कृपया ढक्कन मत हटाना, रुको 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 रुको। और फिर उन्होंने आकर उस पर से ढक्कन उठाया। लोग कहते हैं खाने का आनंद लीजिए, पर देव ने मुझे हंसाने के लिए कहा मोटी मत होना। जानते हो देवास सुबह मुझे पहले 3 बार गले लगाकर कह चुके हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है और उन्हें मुझ पर गर्व है। इस तरह मैं उनके लिए कुछ करती हूँ और वो मेरे लिए कुछ करते हैं। जानते हो जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं फिर मुझे बुरा नहीं लगता जब वो घर जाकर गोल्फ खेलने चले जाते हैं। पर देखिए इसका दो तरफा होना जरूरी होता है, केवल लेने वाला न बनिए। बेशक परमेश्वर आपके पूर्ति करता है और वो सचमुच चाहते हैं कि आप आशा पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें उस फसल के लिए जो वो आपको देना चाहते हैं। जो ये कहते हैं मैं दशमांश में यकीन नहीं करता, वो पुराने नियमों के अधीन था। देखिए आप सही हो सकते हैं पर मेरे पास इसका भी जवाब है। यदि वो नियमों के अधीन दशमांश दे सकते थे तो हमें अनुग्रह के अधीन क्या करना चाहिए। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। आमीन। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह सकती हूं, मैं सच्चे दिल से कह सकती हूं, एक तो ये कि परमेश्वर ने जनवरी में मेरे दिल में ये इच्छा डाली जिसे मैंने कुछ मार्गदर्शकों को कहा परमेश्वर चाहते मैं फिर से देने के बारे में सिखाऊं। मैं देने के बारे में ज्यादा नहीं सिखाती और मैं इसका कारण बताती हूं। दरअसल मेरी इसके लिए बहुत आलोचना की जाती है। मुझे हमेशा कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं आप केवल लोगों का पैसा हथियाना चाहती हैं। देखिए यदि आप गिरजे के पादरी होते तो परिस्थिति भिन्न होती और आप लोगों को समझा सकते, पर टीवी पर ऐसा नहीं होता। मैं ये सुनकर थक गई हूं कि क्या आप वैभव की प्रचारक हैं? मैं गरीबी की प्रचारक तो नहीं हूं। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वैभव का प्रचारक कौन होता है। क्या वो कोई ऐसा होता है जो ये प्रचार करता है कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं? देखिए मुझे इस पर विश्वास है। मैं थक गई हूँ लेबलों और उन संकीर्ण छेदों से जिनमें लोग हमें डालने की कोशिश करते हैं। मैं परमेश्वर की संतान हूं और अपने जीवन पर उनके बुलावे को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मैं लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे और उन्हें उनकी समस्याओं से मुक्त करेंगे। आमीन। और उन्होंने मुझसे ये कहा तुम लोगों पर अनुग्रह नहीं करोगी यदि तुम उन्हें देना नहीं सिखाओगी। सो मैं आज ये इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये मेरा पसंदीदा काम है जिसे करने को मैंने चुनाव किया है। मैं बल्कि आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपना नुकसान करते हैं यदि आप हर मुमकिन तरीका नहीं ढूंढते जिससे आप दे सकें। परमेश्वर को, लोगों को, अपने परिवार को
मित्रों को आपको दानी होना चाहिए। परमेश्वर एक दानी है क्योंकि उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने दिया, और हमें भी वही करना चाहिए। हमें उग्रता से दूसरे लोगों की मदद करनी है। अब मैं समाप्त करूंगी इस अंतिम वचन के साथ, इब्रानियों 13:5 में। क्या आप चिल्लाने को तैयार हैं? हाँ, मैंने अपने को एक नया नाम दिया है, माताजी। अब ध्यान दीजिए, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, अर्थात लालच, धन, लोपुपता, लालच सांसारिक वस्तुओं के लिए तरसने से, और तुम्हारे पास जो है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे बिना सहारे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे बिना सहारे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। और रुकिए, ये अभी समाप्त नहीं हुआ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या आप ये समझे? मैं आज कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल असहाय नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम पर अपनी पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं करूंगा। तुम आश्वस्त रहो। इसलिए जब शैतान कोशिश करे तुम्हें परेशान करने और ये कहने की कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, न तुम्हारे पास कभी पैसे होंगे, तुमने सब कुछ गवा दिया है, आप तुम क्या करने वाले हो, तुम नई शुरुआत करने के लिए बहुत बूढ़े हो, आपको इब्रानियों 13:5 निकाल कर कहना चाहिए, ये सुन शैतान, ध्यान से सुन, परमेश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बिल्कुल असहाय नहीं छोड़ेंगे, वो मेरी मदद करेंगे, वो मुझ पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करेंगे। आमीन। चलिए अब उठकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो शक्ति दे रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। प्रभु की बाढ़ जोने वालों की शक्ति का नवीनीकरण होगा। मैं इस मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देते हैं। परमेश्वर आपके कष्टों के समय आपको दिलासा देंगे। आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हो सकती जिसकी परमेश्वर पूर्ति नहीं करेंगे। आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको अपने जीवन की हर जानी हुई अवज्ञा से छुटकारा पाना चाहिए, और आपको निश्चित करना चाहिए कि आप वो सब बीज बो रहे हैं जो परमेश्वर आपको बोने के लिए कहते हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं, आपको आक्रामकता से आशा करनी चाहिए कि आपके साथ उस दिन कुछ भला होने वाला है। उस दिन आपके साथ। आमीन। मेरे विचार से यह कहना ठीक होगा कि दुनिया में हम कंजूस बनना सीखते हैं, पर जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करना और उनके तरीके से सीखना आरंभ करते हैं, हम दानी बनना सीखना आरंभ करते हैं। देना बहुत बढ़िया बात है। परमेश्वर एक दानी है। मेरे विचार से जब हम दिल से सही रुख लेते हैं, तब हम अन्य मौकों की अपेक्षा परमेश्वर की तरह अधिक होते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:6-7 के अनुसार, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन के ठाने वैसा ही दान करे, न कुट कुट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, जो दिल से देना चाहता है, प्रेम रखता है। परमेश्वर ने केवल यह चाहते हैं कि हम दें, बल्कि वो चाहते हैं हम उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ दें, अच्छे रुख के साथ दें। उन्होंने हमें जो सब दिया है उसके लिए कृतज्ञ होकर दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जॉयस मायर मिनिस्ट्री में हम उसकी कद्र करते हैं जो आप सेवकाई को देते हैं। हम आपकी हिस्सेदारी की कद्र करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें जब वो आपको कुछ देने को कहें, क्योंकि मैं फिर कहूंगी, वो आपसे कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो हमेशा आपको देने की कोशिश करते हैं और आपको बहुतायत से देना चाहते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।